भरी हुई है, अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है कई शेयरों में। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के ऊपर भी रखिएगा नजर। निर्मला सीतारमन जी ने जिस तरह से 25,000 करोड़ रुपए प्लस का एक बड़ा बूस्टर डोज हाउसिंग कंपनियों को दिया है, अटके हुए प्रोजेक्ट्स जो एनसीएलटी में भी हैं देखिए उनके लिए भी अब फाइनेंसिंग होगी, उनको फिनिशिंग के तक लेकर जाया जाएगा। और जो घर खरीदार हैं जो ईएमआई दे रहे हैं देखिए उनके हाथ में उनके फ्लैट्स आएंगे। और इन कंपनियों ने जिन्होंने दरअसल इन प्रोजेक्ट्स को फंड किया हुआ था इनके पैसे भी देखिए फिर वापस आते हुए नजर आएंगे जो अभी अटके हुए हैं। इसीलिए हमें लगता है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर रखिएगा नजर। और भी बहुत सारी कंपनियां जो बिल्डर फाइनेंसिंग करती थी, पिरामल एंटरप्राइजेस जैसे शेयर भागेंगे आज के सत्र में। मोतीलाल ओसवाल को हमने आज टीम में शामिल किया क्योंकि इनका भी एक कारोबार था, हाउसिंग कंपनियों को ये भी लोन दिया करते थे। इसके अलावा नजर रखिएगा कैपेसिटी इंफ्रा का स्टॉक, ये वो कंपनियां हैं जो अच्छा प्रदर्शन इसलिए दिखाएंगी क्योंकि अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जब अब कंप्लीशन के लिए आगे बढ़ेंगे तो आलूवालिया और कैपेसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए भी देखिए जो पुराने पैसे अटके हैं वो तो वापस आएंगे, साथ में इनका काम भी बढ़ेगा। शंकरा बिल्डकॉन जैसी कंपनियां जो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स बनाती हैं इन पे भी आपकी नजर आज अच्छी तरह से होनी चाहिए। मुर्देश्वर सिरेमिक्स, ओरिएंट बेल जैसी कंपनियां, एनसीएल इंडस्ट्रीज, ये दरअसल सीमेंट के प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो कि हाउसिंग सेक्टर में कामकाज होता है। प्रिज्म जॉनसन के ऊपर भी रखिएगा नजर, टाइल बनाने वाली कंपनियों पर भी आज फोकस साफ तौर पर बाजार का रहने वाला है और ग्लास कंपनियां भी आज फोकस में रहेंगी। तो अगर आप देखें तो ये वो पूरा का पूरा हाउसिंग सेक्टर के ऊपर निर्भर करने वाला पॉकेट है जो आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और हम कल भी आपसे कह रहे थे हाउसिंग ये वो थीम है जो आपके रडार पर जरूर होनी चाहिए। रियल एस्टेट, सुडो रियलिटी कंपनियां और ये तमाम कंपनियां आज सबसे दमदार प्रदर्शन दिखाने वाली। जी हाँ, फोकस खरीदारी पे पूरा रखा और थीम मेरी टीम में भी आपको यही मिलेगी, शुरुआत से ही हमने रखा है। डीएलएफ में रखिए सेंचुरी टेक्सटाइल जो कि एक सुडो रियलिटी कंपनी, उसमें ओमैक्स हमने रखा है और एनबीसीसी, ये चारों कंपनियां इसलिए क्योंकि एक रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से आया है, ये पूरे सेक्टर को रिवाइव करने की तरफ है और संभावना ये भी है कि आगे भी इस तरीके के बड़े ऐलान आएंगे क्योंकि रिवाइवल बहुत जरूरी है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ रिजल्ट्स अच्छे हैं। वी गार्ड के नतीजे काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं, मन्नापुरम फाइनेंस के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया हैं, सोमानी सिरेमिक्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, तो यहाँ पे सब में खरीदारी की जा सकती है। एमएस फाइनेंशियल्स के नतीजे काफ़ी बेहतर है, इसमें लॉन्ग पोजिशन बना के ही चलना चाहिए। यस बैंक लेकिन थोड़ा सा कमजोर है क्योंकि डाउनग्रेड की संभावना है मूडीज की तरफ से, तो वहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए। और जेबी केमिकल में 12 नवंबर को बाईबैक पे बैठक है तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है।